अस्सलाम वालेकुम, आई एम तौकीर उलग, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। आज यहाँ इस्लामाबाद सरीना में जितनी लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, आज माशाल्लाह हमारा ये एक्सपोर्ट फर्स्ट एवर पाकिस्तान का जो फार्मा एक्सपोर्ट समिट एन अवार्ड 2021 आज मुनक्किद हुआ है। और इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमारी फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट को हमने बूस्ट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और प्राइम मिनिस्टर का भी ये एक इंडिया है और एक स्ट्रेटजी है कि तमाम सेक्टर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट को बढ़ाएं ताकि हमारा पाकिस्तान में रेवेन्यूज़ हैं। तो फार्मास्यूटिकल का भी रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज पाकिस्तान से बाहर अपनी अद्वियात को एक्सपोर्ट कर रही हैं और वहाँ पे हमारे ब्रांड स्टैब्लिश हो रहे हैं और वी आर वेरी वेरी इफेक्टिवली पेनिट्रेटिंग आउटसाइड पाकिस्तान एंड मेकिंग अवर क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल देयर एज वेल। तो इस सिलसिले में आज मकसद ये था कि हमारे जो टॉप 50 एक्सपोर्टर हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल, तो आज यहाँ जमा थे और उनको हमने पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने उनकी खिदमात को सराहते हुए उनको एक्सपोर्ट अवार्ड्स दिए हैं। और आज की तकरीब के जो मेहमान थे वो अब्दुर्रज्जाक दाऊद साहब, जो कि स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स हैं, तो वो आज मेहमान खुसूसी थे। इसके अलावा स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हेल्थ के हैं वो थे, खालिद मंसूर साहब स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर सीपैक वो यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने भी अब तकारीर की और इस अहमियत को उजागर किया कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन को उनके मेंबर्स को एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त इवेंट रहा, जो हमारे लीडिंग सीईओ हैं उनकी पैनल डिस्कशन भी हुई उसमें, जिसमें उन्होंने ये बताया ऑडियंस को कि उन्होंने ये एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई और ये टिप्स थी कि कैसे हम मज़ीद जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त 250 मिलियन की एक्सपोर्ट है और हमारा जो कमिटमेंट है कि अगले 5 साल में हमने इसको 2 बिलियन से ऊपर लेके जाना है। उस सिलसिले में ये सेमिनार था, बहुत ही अच्छा, इट वाज वेरी वेल अटेंडेड एंड दिस इज़ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मूविंग टू एक्सपेंड अवर एक्सपोर्ट। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दी 50 फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिनको अवार्ड मिला है और इंशाल्लाह उनकी देखा देखी और कंपनीज भी आगे आएंगी और हम एज ए इंडस्ट्री इस पे बिल्कुल लबैक कहते हैं गवर्नमेंट को कि अगर गवर्नमेंट हमें फुली सपोर्ट करे, पॉलिसीज़ फ्रेंडली लेके आए और एक्सपोर्ट में हम स्पीडली जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करवाएं, ड्रैप का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अगर गवर्नमेंट हमारे साथ है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे साथ है और हम में तो पैशन है, तो हम मिल के इस एक्सपोर्ट्स को ऊपर लेके जाएंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम फार्मास्यूटिकल मेजर कंपनीज़ का जो आज यहाँ आई, कराची से, पूरे पाकिस्तान से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, हर जगह से आई तमाम लीडिंग कंपनीज़ के सीईओज़, और बहुत ही कामयाब ये प्रोग्राम रहा। आई विश द इंटायर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर बिजनेस इन पाकिस्तान एज वेल एज अब्रॉड पाकिस्तान।